हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आप दोस्तों यहाँ पे दो स्क्रू देख सकते हैं। एक स्क्रू तो बिल्कुल सही है, उसकी ग्रिप अच्छी है। दूसरा स्क्रू बिल्कुल घिसा हुआ है, यानी कि इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली दोनों नए थे लेकिन एक को मैंने घिस दिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसको कैसे खोल सकते हैं। इसको मैं ड्रिल मशीन से घिसा है और आप इसको देख सकते हैं कि इसकी पकड़ बिल्कुल सही है, ये काफ़ी अच्छे से खोल रहा है। या इस वाले को आप देख सकते हैं, इसकी ग्रिप बिल्कुल घिस चुकी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें ये बिल्कुल नहीं खुल सकता, इसको ड्राइवर की सहायता से ये बिल्कुल भी नहीं खुल सकता। और दूसरा जो आप इसको ड्राइवर वो स्क्रू देख सकते हैं, इसकी ग्रिप बिल्कुल सही है। आप सब खोलिए, बंद करिए, इसको आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही फ्री हो चुका है। तो आज का टॉपिक दोस्तों इसी बारे में है, इसको कैसे खोला जाए। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास सोल्डरिंग पेस्ट है, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा। ये 15 ग्राम की डिब्बी शायद 15 या 20 रुपए की मिलती है, आपके एरिया में सबको शायद कुछ और रेट हो। आप इस सोल्डरिंग थोड़ा सा सोल्डरिंग लेके आप जो ये स्क्रू है, बिना ग्रिप का जो स्क्रू है, इस पर आप बिल्कुल अच्छे से लगा दीजिए। ज़्यादा भी ना लगाइए लेकिन इसको चारों तरफ फैला दीजिए, जहाँ पे आपकी ग्रिप बननी है, जहाँ से इसमें खुलना है, आप वहाँ पे इसको लगा दीजिए अच्छे से। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये सोल्डरिंग पेस्ट है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है सोल्डर आयरन और सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर को आप सोल्डर आयरन की सहायता से पूरा इसके अंदर भर दीजिए दोस्तों, इसको पूरा इसके अंदर भर दीजिए। जहाँ तक इसका लेवल है, जहाँ तक ये भर सकता है, वहाँ तक इसको भर दीजिए आप पूरी मात्रा में। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा फुल भर चुका है। अब इसको थूकने में ज़्यादा 4-5 सेकंड लगते हैं, 4-5 सेकंड में पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। अभी आप इसको प्याले से रहने दीजिए और आप अपने पास रखिए स्क्रू ड्राइवर को इसके ऊपर रख के सोल्डर आयरन को थोड़ा इसके पास रख के इसको आयरन को थोड़ा जो ये सोल्डर पेस्ट है सॉरी ये सोल्डर जो है पिघला हुआ जो सोल्डर, इसको आप उसके ऊपर रखिए। आप इस तरह से इसको इसके ऊपर रखिए। अभी सॉरी थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एक्चुअली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और मैंने जो है फ्रिज की जो ग्लास की ट्रे है उससे मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट वो अरेंजमेंट कर रखा है ताकि मैं इसको आपको जूम करके आपको दिखा सकूँ। ये माइक्रो वीडियोग्राफी में आपको आज ले कर सकूँ। ये देखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ड्राई हो भी जाए दोस्तों तो आप इसको दोबारा सोल्डर आयरन लगा के इसको फिर से आप पिला सकते हैं। और इसको उसके ऊपर इस तरीके से रखिए। अभी थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो पाया ढंग से, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था और कैमरे के सामने मेरा हाथ आ रहा है। अभी मैं इसको सही करता हूँ, आप देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप बन चुकी है दोस्तों। अगर ड्राई हो जाए, इसकी ग्रिप घिस जाए बार बार, तो आप इसको फिर से सोल्डर आयरन लगा के इसको फिर से पिला सकते हैं और इसको पहले सब कर सकते हैं। इसको पिघलने के बाद आप इस पर जो है स्क्रू ड्राइवर लगाइए, थोड़ा सा थोड़ी देर इसको रखिए ताकि 4-5 सेकंड, और जैसे ये ड्राई हो जाए इसको आप घुमा दीजिए।
ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से खुल रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आप इसको अपने घर में अप्लाई कीजिएगा। अगर कहीं भी ऐसी कहीं दिक्कत आती है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सूटेबल तरीका है इसको खोलने का, बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। ये देखिए कितने आसानी से घूम रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, बंद हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए। अगर आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।